जन्म कुंडली विश्लेषण में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे नए दर्शक नए सब्सक्राइबर का भी मैं स्वागत करता हूं। आप में से जितने लोग हैं जिनको किसी प्रकार के तकलीफ है या फिर वो अपने भविष्य को लेकर या किसी विशेष जिज्ञासा या समस्या को लेकर जन्म कुंडली पर विश्वास करते हैं और ग्रहों के आधार पर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, उनमें से जितने लोग कुंडली भेजते हैं उनमें से कुछ कुंडली हम सेलेक्ट करते हैं या जो लोग स्क्रीन पर अपनी कुंडली का विश्लेषण देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं इस प्रकार की सेवाएं भी देता हूं, सर्विसेज। आज का जो मेरा कुंडली विश्लेषण है वो 14 साल और 3 महीने की एक बच्ची है जिनके पिता यूरोप पर रहते हैं, उन्होंने भेजा। इस बच्ची का नाम है सैंड्रा। आमतौर पर हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुंडली विश्लेषण के माध्यम से किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर कोई चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जाहिर से बात है कि पिता हैं और 14 साल टीनेज है, क्योंकि 14 जब एक 13 से लेकर 19 तक का समय होता है बच्ची का, वो एक टीनेज होती है क्योंकि सबके पीछे वो टीन लगा रहता है। तो ये समय ऐसा होता है जिसमें सुधर जाए तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बिगड़ जाए तो बेकार हो जाती है। तो इन पिताजी का भी एक यही है, सोचना है कि इसका भविष्य कैसा रहेगा, इसे कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए और आगे का जीवन इसका कैसा रहेगा। हम सबको कोई ना कोई तकलीफ तो आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तकलीफ ना आए। जैसे आपकी बेटी मान लीजिए डॉक्टर बनती है तो इसके लिए पेशेंट तो भगवान को बनाना ही पड़ेंगे, लॉयर बनती है, जज बनती, पुलिस में जाती है तो इसके लिए अपराधी बनाने पड़ेंगे। उसी तरीके से इसके भविष्य को लेकर जो इनकी चिंता है, आइए ग्रहों का खेल देखते हैं और जानते हैं कि क्या है इनके कुंडली में प्लैनेटरी पोजिशन, और फिर मैं एक नतीजा दूंगा, एक निष्कर्ष कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप उसे मानते हैं या नहीं मानते इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं अपनी गणित के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर जो ये कुंडली दिखा रहा हूँ ये 9 नंबर की कुंडली है, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है इसे हम धनु लग्न की कुंडली कहते हैं। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे घर होता है, घर के बाहर नंबर लिखा होता है, नंबर के पास में नेम प्लेट पर एक मकान मालिक का नंबर लिखा, नाम लिखा रहता है, तो हेड ऑफ द फैमिली घर में अच्छे हैं तो पूरा परिवार काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेगा। और घर के मुखिया हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता या दादा दादी अगर खराब है, तकलीफ में, परेशान है तो परिवार को भी तकलीफ पड़ती है। तो लगन के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति। वो फोर्थ हाउस जो कि सुख और सुविधाओं का है उसके भी लॉर्ड बनते हैं, और टेंथ हाउस में यहाँ देखिए सूर्य, बुध, मंगल और बृहस्पति, ये 4 प्लैनेट विराजमान हैं। 1 से भले 2, 2 से भले 4, तो ये 4 4 ग्रह जो आपस में दोस्त ही हैं वो सब विराजमान हो गए और केंद्र में, इससे बढ़िया राजयोग हो ही नहीं सकता है। जब आप 4 दोस्त किसी जगह पर बैठ जाएं उसके बाद आप तरक्की करते हैं तो कितना मजा आएगा। जैसे सूर्य बुध बुधादित्य योग बनता है, बृहस्पति और मंगल का पारिजात योग बनता है, मंगल सूर्य का पराक्रम योग बनता है। एक ही छोटी सी तकलीफ है, वो है मंगल बुध की युति, लेकिन वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। यह 10th हाउस से विराजमान है और 9th के लॉर्ड सूर्य, 9th हाउस जो कि भाग्य का होता है, और उसके लॉर्ड जब 10th हाउस से बैठ जाए तो अपने से केंद्र में चले गए। तो सूर्य की तरह यदि बच्चों चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी सीखना पड़ेगा। तो वो इसका राजयोग है कि तपेगी और वाकई बहुत अच्छी मेहनत करके तरक्की हासिल करेगी। 7th हाउस जो कि हमारा बिजनेस का भी होता है, पति पत्नी के संबंध का होता है, उसके लॉर्ड बनते हैं बुध। बुध को ज्योतिष में बुद्धि का दर्जा दिया है, बुद्धि का काम दिया गया है, जिससे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सिस्टमेटिक काम कर सकते हैं, डिसिप्लिन में काम कर सकते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी का काम भी काफी तक बुध से होता है। वो 10th हाउस में बड़ा सुंदर राजयोग। फिर देखिए 10th हाउस में स्वग्रही और उच्च राशि के विराजमान होने से बना भद्र योग। जैसे पुराने जमाने में भद्र पुरुष हुआ करते थे जो मल्टी टैलेंटेड होते थे, तो ये बच्ची टैलेंटेड बनेगी और बहुत अच्छा करियर हासिल करेगी। फिर देखिए 5th हाउस जो कि पढ़ाई का है और 12th हाउस जो कि विदेश यात्राओं का है, इन दोनों के मंगल का 10th हाउस में बैठना ये क्या दर्शाता है? कुल दीपक राजयोग। तो इसकी कुंडली में क्या बना? भद्र योग, बुध आदित्य योग, कुल दीपक राजयोग और गुरु मंगल का पारिजात योग। आगे बढ़ते जाएंगी बच्ची और जिंदगी में हर प्रकार के कष्टों को छोड़ते हुए, पार करते हुए आगे बढ़ती जाएगी। इसमें एक खुशी की बात यह है कि ये बच्ची अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई करती है, होटल मैनेजमेंट या किसी प्रकार का बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेज की पढ़ाई करती है, बिजनेस मैनेजमेंट की, तो सबसे अच्छा है क्योंकि आने वाले टाइम में बिजनेस करेगी। 2nd ऑप्शन है इसके लिए मेडिकल की पढ़ाई करना, पर वो मैं आपको मना करूंगा कि मेडिकल में नहीं जाना चाहिए। बेटर है कि ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करे या टेक्नोलॉजी प्लस मैनेजमेंट करे, तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
और ये डिजाइनिंग में बहुत अच्छी हो सकती है, आर्ट्स में बहुत अच्छी हो सकती है, म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, क्रिएटिविटी, ये भी इसका एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो कहते हैं उसमें इसको जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। अब मंगल की आठवीं दृष्टि फिफ्थ हाउस पढ़ाई के घर पर, जो पढ़ाई के घर के लॉर्ड है, इसीलिए मैंने टेक्नोलॉजी शब्द इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस जो कि धन का है, फैमिली का है, कुटुंब का है, और थर्ड हाउस भी इसका पराक्रम का है, इसके लॉर्ड बनते हैं शनि। ये एट्थ हाउस में विराजमान हो गए, कर्क राशि के शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी आयु बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन आयु के घर में शनि और चंद्रमा का विष दोष बनना, यह घर होता है कॉमन सेंस का, कई बार लड़कियां बहक जाती है क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है जब बॉडी में डेवलपमेंट्स होते हैं, ऐसा एक समय आता है जिस पर घर वाले, माता पिता इतने अच्छे नहीं लगते, जितने फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, अपोजिट सेक्स के लोग अच्छे लगते हैं, लड़की है तो लड़का पसंद आएगा, फिर यहाँ इन्फैचुएशन, क्रश, अट्रैक्शन, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती है। और ये शनि और चंद्रमा का विष दोष है, मैं ये नहीं कहता हूँ ये सब चीज़ें खराब है, होनी चाहिए, वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, लेकिन गलत कहानी आपके द एंड बहुत बुरा होता है। तो शनि और चंद्रमा का जो विष दोष है एट्थ हाउस में, ये निश्चित रूप से इसके लिए बहुत खराब है। ये विष दोष इस बच्ची को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, इसके मन को भटका सकता है, रॉन्ग बॉयफ्रेंड, रॉन्ग कोई रिलेशनशिप या कोई जिसे हम रॉन्ग कंपनी कहते हैं उसमें जाने के इसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप थोड़े से लेट हैं, बचपन में 3.5 साल और 6 से 9 साल की उम्र में अगर विष दोष का उपाय हो जाता तो ये काफ़ी हद तक खत्म हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सिक्स हाउस जो कि हमारे रोग का है और दुश्मनों का भी है, 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। देखिए शुक्र एक बहुत अच्छा प्लैनेट है क्योंकि लग्जरी देना, कंफर्टेबल जिंदगी देना। 9th हाउस में शुक्र का विराजमान होना ये 100% तय है कि बच्ची ये अच्छी गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, कंफर्टेबल जिंदगी, खुद के पैरों पर खड़ी होकर बेहतरीन जिंदगी प्राप्त करेगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शुक्र भी प्यार, इश्क और मोहब्बत भटकाने के काम में परफेक्ट रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पर पंचम स्थान पढ़ाई के घर में राहु बैठकर जो शुक्र को देख रहे हैं, इसके लिए आपको प्रॉपर बच्ची के साथ आपको दोस्ताना रवैया अपनाना होगा। और डांट डपट करने से कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा समझाने का ही काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक उम्र ऐसी होती है जब बच्चों को समझे, उनके पास बैठे और इतना प्यार करें कि वो आपको आकर बताए कि कुछ अलग हो रहा है, तो आप उसे गाइड कर सकते हैं। पर हमेशा गाइड करोगे और उसको पसंद कुछ और है तो वो आपसे दूर होती चली जाएगी, तो ये भी एक बड़ा वीक पॉइंट है। सभी ग्रह यहाँ देखेंगे आपके केतु से राहु के मध्य आ गए तो ये काल सर्प योग का असर भी आपके रहेगा जो कि काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करने का काम करता है। इसका उपाय अभी भी हम कर सकते हैं। वर्तमान में शुक्र में दशा शुक्र की चल रही है 1 अप्रैल 2019 तक, उसके बाद शुक्र में सूर्य से जैसे ही आएगा 31 मार्च 2020 तक तरक्की शुरू हो जाएगी। ये 20 साल इसकी ज़िंदगी के इतने अच्छे हैं, ये 14 साल की है, 20 साल यानी इसके 34 साल की उम्र तक ये बच्ची वेल एस्टेब्लिश्ड और तरक्की के शिखर को पार कर लेगी। अगर आप इसे एक्टिंग सिखाते हैं, डांस, म्यूजिक, आर्टिस्ट का मैंने जो बताया था वो करते हैं तो और भी अच्छा इसके लिए रह सकता है क्योंकि सारे शुक्र के फील्ड है, और शुक्र का फील्ड बैंकिंग, फाइनेंस जो बुध करता है उसके बिजनेस की तरफ ले जाने का काम भी करते हैं। तो आपके लिए योग तो बहुत अच्छे हैं, दोष भी बुरे हैं, तो आपको समझाना पड़ेगा और कुछ उपाय बताऊंगा वो करना पड़ेगा। एक दो पॉइंट मैं आपको नवमांश कुंडली के बताता हूँ, उससे और ज़्यादा अच्छे ढंग से स्थिति क्लियर हो सकती है। देखिए तुला लग्न की कुंडली है, तुला का मतलब है तराजू, किसी चीज़ को बैलेंस करना या नहीं करना, ये दो ही काम है तुला के। और लग्नेश बनते हैं और 8th हाउस जो कि कॉमन सेंस के घर के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, जो कि 10th हाउस में विराजमान है। सूर्य, शुक्र और शनि तीन तीन ग्रह विराजमान है। 11th हाउस के लॉर्ड सूर्य, 4th और 5th हाउस के लॉर्ड शनि, तुला लग्न के लिए योगकारक होकर 10th हाउस में विराजमान होना बहुत सुंदर राजयोग है। लेकिन सूर्य शनि की युति और यहाँ पर शनि कर्क राशि के शुक्र के साथ बैठना ये भी भटकाने का काम करते हैं। 9th हाउस से विराजित राहु की 9वीं दृष्टि पढ़ाई के घर पर है, वहां पर पढ़ाई के घर में बैठे थे राहु या पढ़ाई के घर को देखते हैं राहु। राहु एक ऐसे ग्रह है जो पढ़ाई को ब्रेक लगवाना, किसी प्रकार के गलत रिश्तों में डाल देना ये सब करते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें कॉमन सेंस दिया, हमारे लिए उपाय बनाए तो हम अपने रास्ते को बदल के अपनी मंजिल को भी बदल सकते हैं, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। अब बात करते हैं 10th हाउस जो कि मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा का है, और 6th हाउस देवताओं के गुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों विराजमान है। गज केसरी योग बनता है, यहां पर बृहस्पति का स्वग्रह बैठना और 5वीं दृष्टि से सूर्य, शुक्र और शनि को देखना निश्चित रूप से वर्कहोलिक बच्ची बनेगी,
मैं गज केसरी योग को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, जो निश्चित रूप से बहुत बड़ी तरक्की करवाता है। नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध। बुध इलेवंथ हाउस में प्रॉफिट घर में विराजमान है, इसलिए यहां पर भी मैनेजमेंट की पढ़ाई ही बताई जा रही है। और थर्ड हाउस में केतु विराजमान है और उसकी नवमी दृष्टि इलेवंथ हाउस बुध पर है। वहां राहु देख रहे थे, यहां केतु देख रहे हैं बुध को। ये जो इलेवंथ हाउस था, ये मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ बच्ची को प्रॉपर काउंसलिंग दें और इस बच्ची को समझाने का काम छोड़कर समझने की कोशिश करना शुरू करें। इससे सेल्फ मोटिवेशन तरफ लेके जाएं। इसको दुनिया दिखाइए कि दुनिया में तकलीफ है क्या क्या है। हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं तो कभी बच्चों को झुग्गी झोंपड़ी में नहीं लेके जाते हैं, हम बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, शमशान घाट नहीं लेके जाते, दूर रखते हैं। अरे वो दुनिया दिखाइए ताकि पता लगे बच्चों को कहाँ ये भी एक दुनिया है, तो उनके मन में लोगों के प्रति सेवा करने का भाव पैदा करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से पहले आप जग जाते तो बस ज़्यादा मज़ा आ सकता था। खैर, अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा आपके लिए, या बिगड़ा ही नहीं है, लेकिन बिगड़ ना जाए उसके लिए वह उपाय जरूर करने होंगे। सहस्त्र घट सुदर्शन क्रियामान षष्ठी त्रिक एक पूजा होगी विष दोष की, और यहाँ पर राहु केतु के दोष की, जिससे इसको एक सुरक्षा कवच बनाकर भेजा जाएगा जो ये पहन ले। ये काम आप यूरोप में जहाँ रहते हैं वहाँ किसी पंडित जी से करवा सकते हैं, इंडिया में जहाँ पर आप जानते हैं वहाँ करवा सकते हैं। अदरवाइज जोधपुर आध्यात्मिक साधना स्थिति केंद्र में कुछ डिटेल चाहिए होगी, वो भेजने पर इस उपाय को करके एक सुरक्षा कवच बच्ची को भेजा जाएगा जो जरूर इसे पहनाते हैं। कुछ उपाय करने की चीज़ें भेजी जाएगी, मंत्र माला वो भी आप इसे करवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बच्ची को सूर्य को जल देने के लिए प्रेरित करें और सवा सात रत्ती का पुखराज और सवा पाँच रत्ती का या सवा सात रत्ती का एटलीस्ट माणिक्य हो, ये दोनों पहना दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर साल इस बच्ची के आप प्रॉपर मुझसे अगले 4-5 साल के लिए, जब तक टीन एज खत्म नहीं हो जाती है तब तक संपर्क पर रहोगे, तो काफ़ी 3-4 बार उपाय करके इस बच्चे को गलत चीज़ों में जाने से रोक सकते हैं, बदल सकते हैं इसका भविष्य। और ये बच्ची माता पिता के लिए बहुत अच्छी है, पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छी है, बस कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाए, विष दोष एक खतरा मुझे नजर आ रहा है, उसको मैं संभाल लिया, हमने संभाल लिया, तो निश्चित रूप से इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटियाँ या तो अच्छी होती या बहुत अच्छी होती, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के घर में बेटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, बस हमें थोड़ा सा उनको गाइड करना ज़रूरी होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथ में आप हमारे ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका का सदस्य बनने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आप इसी तरह अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवा सकते हैं, इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो जोधपुर कार्यालय से आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए इजाजत दीजिए। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। मेरे सभी प्रिय चाहने वालों, दर्शकों, मैं जब भी इन फूलों को देखता हूँ तब एक एहसास होता है कि फूल तो टहनी के सबसे ऊपर वाले भाग में उगे हैं, लेकिन फूल बनना जड़ से शुरू हुआ था, क्योंकि इसे खाद और पोषक तत्व जमीन से मिलते हैं। क्यों नहीं हम भी एक खुशनुमा जीवन को जिए, हमारे शरीर मन मस्तिष्क के हर रोम में ऐसा फूल उगे। इसमें आपके जीवन में कांटे कौन बो रहा है, यानी मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के 9 ग्रहों का हाल, कि कौन से ग्रह आपके विरुद्ध हैं और कौन से आपके पक्ष में है। इसके लिए मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। मैं अपना फरवरी और मार्च महीने का स्केड्यूल दे रहा हूं। अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। 23 फरवरी को मैं दिल्ली रहूंगा, 16 फरवरी को मैं नेपाल काठमांडू रहूंगा और 24 फरवरी को चंडीगढ़, 28 फरवरी और 1 मार्च को मैं दुबई में रहूंगा। मार्च की बात करें तो 2 और 3 मार्च को मैं देहरादून में रहूंगा, 8 और 9 मार्च को सिंगापुर में रहूंगा, 10 और 11 मार्च को मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा, 16 मार्च को नागपुर, 17 मार्च को नासिक और 18 मार्च को मैं मुंबई में रहूंगा, 23 मार्च को मैं सूरत में, 24 मार्च को बड़ौदा, 25 मार्च को मैं अहमदाबाद रहूंगा और फिर 29 मार्च को दिल्ली, 30 मार्च को लखनऊ और 31 मार्च को मैं पटना में रहूंगा। निश्चित रूप से हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी भोग रहे हैं वो कहीं के हमारे ग्रहों का खेल है, हमारे संचित कर्म है, प्रारब्ध है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे कर्म है। लेकिन एक परामर्श आपकी और मेरी मुलाकात
निश्चित रूप से आपकी किसी समस्या का समाधान जरूर कर सकती है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।